हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। सुबह हो रही है और मैं अभी जिम से ही आया था, तो बाइक में कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने सोचा कि सही करवा लूँ। और ये हमारी बाइक, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो बैटरी ख़राब हो गई है, इसकी सेल्फ काम नहीं करती, और ऊपर से इसकी जो क्लच है वो भी ख़राब हो गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा काम करवा लिया जाए, वरना बहुत बार ये होता है कि किसी के सामने खड़े हो और सेल्फ मार रहे हो तो फिर बेइज्जती हो जाती है, तो किक मारनी पड़ जाती है, इसलिए चेंज करवा रहा हूँ। ये और आधे घंटे में लगभग हो जाएगा काम, और फिर उसके बाद वापस फ्लैट पे। आधा एक घंटा लगेगा ना भैया मैक्सिमम? ये भैया यहाँ के सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैकेनिक है। भैया क्या नाम है आपका? अरमान खान। अरमान भाई यहाँ पे काम करते हैं, इनकी पूरी टीम है, यहाँ पे सारे बंदे हैं ये भाई। और यहाँ पे इनकी धुलाई वुलाई होती है, मतलब बाइक की धुलाई वुलाई होती है। सो बड़े दिनों बाद मैंने ऐसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। इससे पहले मैंने शोभा की शादी की वीडियो बनाई थी, और उससे पहले एक शॉर्ट फिल्म थी, और बीच बीच में इधर उधर के ब्लॉग्स थे। तो अब यहाँ पे मैं ब्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ले रहा हूँ एक नया चैलेंज अपने लिए, और उस चैलेंज में ये होगा कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा अपने इस मोबाइल से फॉर 21 डेज। वो कहते हैं ना द पावर ऑफ हैबिट्स, और हैबिट आपकी बनती है 21 डेज में। तो फॉर स्ट्रेट 21 डेज मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा। बहुत खतरनाक है लेकिन करेंगे, क्या हो गया। चलो गुड लक पीयूष। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल अभी सोने, मुँह हाथ धो लिए और जग के नहाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली। मैं रात को 3:30 बजे सोया था, मैं पुष्पू भैया से और पारस से बात कर रहा था, और सुबह 6:30 बजे जग गया था मैं, तो खाली 3 घंटे की नींद हुई। तो मुझे रात समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सुबह सुबह जब गया था तो गेट लॉक करके चाबी वहीं पर छोड़ गया था, तो इसलिए मेरे को नींद बहुत ज़रूरी है फिलहाल, और बाकी एडिटिंग करनी है। तो मिलता हूँ सो के जगने के बाद। जग गए जी, और नहा भी लिया हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। 6:30 बज रहे हैं, मुझे निकलना है सेशन के लिए एक, और वो सेशन किस चीज़ का है वो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगा आपको, तब तक बने रहो। पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी नींद पूरी कर लो, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं है ना तो आपका दिमाग सही काम नहीं करता है। मैं जब सुबह जिम के लिए निकला था तब मैंने अपनी चाबी गेट में लगी छोड़ दी, मुझे ध्यान भी नहीं था, और जब मैं आया तब मैंने देखा चाबी लगी हुई है, और अब मैं जब नीचे आ रहा था बाइक की चाबी लेने के लिए, देखो बाइक में चाबी लगी हुई है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर स्लीप नो, तो 7 to 8 hours स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अभी चाय ले लेते हैं, सॉरी अभी दूध ले लेते हैं। हेलो, दूध होगा क्या? हेलो, क्या हुआ? मोदी जी आ रहे हैं क्या? शेर दाल रहा है, यूक्रेन में फंसे। अच्छा मोदी जी शेर हैं क्या? और अच्छा जान लगा रखा है। एक दूध का पैकेट दे दीजिए, टोंड डबल टोंड है, डबल टोंड कितने का है? पेटीएम हो जाएगा ना? अंकल जी, 2 बार मैंने पेमेंट किया है, दोनों बार वो प्रोसेस में चला गया। मैं आपको कल सुबह आके दे दूं पैसे? मतलब जो भी होगा, अगर मेरे पास आता मेरे पास आ जाएगा, वरना मैं आपको कल आके दे दूंगा, कैश दे दूंगा, चाहे है ना। 2 बार कर दिया आपने? 2 बार कर दिया मैंने, भैया को दिखाया मैंने। अच्छा, लेकिन आए नहीं आपके अकाउंट उसमें? नहीं आए ना, मेरे से कट रहे हैं ना आपके में जा रहे हैं, प्रोसेसिंग में है वो। नहीं, वो तो फिर तुम्हारे पास ही चले जाएंगे, देख लेना तुम। चलो अंकल जी ने कह दिया कि कल आके दे देना, फिलहाल ये रख लेते हैं इधर बैग में, चलते हैं सवारी पे बैठ। और चाहिए पानी भैया? वो भैया कहाँ हैं दूसरे वाले? हाँ, अच्छा तो पानी चाहिए था मेरे को, गली नंबर 2 में। यहाँ पे यहाँ से लेके जाओगे तो 30 रुपीज़, और अगर वहाँ घर पे मंगा लोगे तो 40 रुपीज़, और अगर सेकंड फ्लोर से भी ऊपर मंगाओगे तो उसके 10 रुपये और एक्स्ट्रा। गली नंबर 2 भाई, यहाँ पे थोड़ा गलत सीन है, यहाँ पे डिलीवरी के 50 रुपये हैं, तो मैंने बट लिखवा दिया, मैंने बोल दिया कि भिजवा देना, तो अब वही ले लेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम कहीं और से ले लेंगे। चाउमीन खा रहे हैं,
पर चाउमीन खाए हुए भी यार काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे को मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए होंगे चाउमीन खाए हुए, मैंने चाउमीन नहीं खाई है। अब बस मन नहीं करता, वरना खाने के बाद गिल्ट महसूस होता है। रात के 10 बज गए हैं और अब मुझे एडिटिंग करने जाना है, फिर उसके बाद सोना है। चाय पीनी है मेरे को अभी, और चाय पीते पीते फिर एडिटिंग करेंगे। मैंने खाने में खा लिया था आज बाहर ही, तो रोटी खाई थी मैंने और छोले और पालक पनीर। पालक पनीर मेरे को सबसे सही लगती है, मतलब पालक ग्रीन्स हो गए आपके और पनीर आपका प्रोटीन और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट सब हो गया, तो सही है मतलब। और जो फाइनल चीज वो ये है, अब ये फाइनल हो चुका है कि हम व्यू छुपाते हैं, प्रतीक्षा लेते हैं कि अब डेली ब्लॉगिंग करेंगे फॉर 21 डेज। तो आज है 3 तारीख और 3 से 21, 24 तारीख तक हम डेली व्लॉगिंग करेंगे। और हाँ, ये जो व्लॉग शूट हो रहे हैं ना, ये मोबाइल में ही हो रहे हैं सारे, और ये एडिट भी मोबाइल में ही हो रहे हैं। तो इस चैलेंज का नाम रहेगा व्लॉगिंग चैलेंज ऑन मोबाइल। डेली व्लॉगिंग ऑन मोबाइल चैलेंज, हाँ ये सही है। तो दिस इज day 1 of 21, तो वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच, आज काफ़ी सही रहा दिन, प्रोडक्टिव रहा। जो आज हमने सीखा वो ये सीखा कि भाई नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप बावलेस हो जाते हो। तो भैया हमारे व्लॉग्स आया करेंगे मॉर्निंग में 8 बजे, तो सुबह सुबह आप जगी जाते हो, सब लोग जल्दी जल्दी 8 बजे जगी जाते हो ना, नहीं जगते क्या? अब आलसी हो जग जाते हो। तो मॉर्निंग में आया करेंगे सुबह सुबह व्लॉग 8 बजे, और आपसे फिर सुबह 8 बजे मुलाकात करेंगे। तो भाई ये वीडियो एडिट करते करते मुझे ध्यान आया बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन भी दबा देना, जिससे आपको पता चल जाए कि वीडियो जैसे ही आती है ना सबसे पहले आप देख लो। चुटकी थोड़ी शार्प आवाज नहीं, थोड़ी मोटी आवाज है, बेस है आवाज में, बेस बेस बेस। ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो। मुझे चाय ज्यादा पीने की आदत है, मतलब मैंने आदत बना ली, ऐसा कुछ है नहीं। प्रॉब्लम ये है जो दूध था ना आज वो अच्छा नहीं था, मतलब डबल टोन दूध में टेस्ट नहीं आता चाय का, टेस्ट तो फुल क्रीम में ही आता है। तो इससे फिर ये फाइनल हुआ कि अब से डबल टोन कभी नहीं लेंगे, टोन लेंगे।